हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नान बनाने की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ये नान बनके तैयार होता है। आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि आप ये खुद से बनाकर खा रहे हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और शादियों में जैसा नान बनता है बिल्कुल वैसे ही बनके तैयार होता है ये, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और साथ ही साथ हम ऐड करेंगे लुकवॉर्म वाटर, यानी कि गुनगुना पानी, जो कि 1/3 कप मैंने ऐड किया है। और साथ ही साथ 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ईस्ट ऐड किया है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। तो चीनी ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें ईस्ट को एक्टिवेट करना होता है। चीनी मैंने 1/2 टीस्पून लिया था। अभी इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। आप देखेंगे कि इसमें बबल्स फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए अब आटा गूंद लेते हैं। तो एक बाउल ले लेना है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप भरकर मैदा। आप चाहें तो आप आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल ऐड किया है और 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर लेना है। साथ ही साथ हम ऐड करेंगे 1/4 कप दही। दही ऐड करने से जो नान होता है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। और ये देखिए, जो मैंने इस रेस्ट पे डाला था 10 मिनट के लिए, वो एक्टिवेट हो चुका है और इसमें बबल फॉर्म हो गया है। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि जो ईस्ट वाला वाटर है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे एक डो फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है लेकिन अब घबराइएगा नहीं, इसे अच्छे से बस मिक्स करना है और तुरंत ही ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। पानी की ज़रूरत शायद ही पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि पानी ऐड करने की ज़रूरत है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऊपर से आप थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तेल, जिससे जो ऊपरी परत है उस पर पपड़ी नहीं जमे। और इसे कवर करके ढककर हमें 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 1.5 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। और ये देखिए आटा कितना ज़्यादा राइज हो चुका है और कितना ज़्यादा स्पॉन्जी लग रहा है ये। आप इसे हाथ से 1-2 पंच और लगा लेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब आप देखें, ये एकदम आटे जैसा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसके पेरे निकाल लेंगे, जितने पेरे भी हमें नान चाहिए आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक पेरे को तैयार कर लिया है और अब इसे हम रोलिंग सरफेस पर डालेंगे और हाथ से इसे फैलाने का ट्राई करेंगे। पहले तो बस थोड़ा सा डस्ट करेंगे आटा और वही पेरे हम इस पर डालेंगे। और अब मैं इन्हें अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा सा फैला लूँगी। ये सूखा आटे में अच्छे से कोट हो जाएगा और बिल्कुल चिपकेगा नहीं। तो आप इस तरीके से आप हाथ से फैला लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आप बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बेलन का यूज़ किया था इसे और भी ज़्यादा फैलाने के लिए। एकदम ज़रूरी नहीं है कि आप बेलन का यूज़ करें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आप थोड़ा थोड़ा इसे बेलन का हेल्प लेकर इसे थोड़ा और भी ज़्यादा फैला सकते हैं। तो बस इसी तरीके से ये नान हमारा तैयार है। अब इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए पहले तो हम थोड़ा सा बटर इस पर अप्लाई कर लेंगे, या फिर आप घी भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसे अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने यहाँ पर कलौंजी या फिर आप काली तिल जो होती है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी फ्रेश कोरिएंडर लीव इस पर चिपका दी थी। तो बस इस तरीके से आप डाल लेंगे और हाथ से थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस कर देंगे। अब नान को सेकने के लिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन ले लिया है और इसे थोड़ा सा हीट करने के बाद थोड़ा अप्लाई करेंगे घी या फिर बटर और इस पर हम नान को डाल लेंगे। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप इसे फैलाने के बाद, क्योंकि श्रिंक होता है मैदा बहुत जल्दी, तो बस इसे फैलाने के बाद थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे ऊपर से घी और इसे हम अच्छे से कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और फिर आप इसके जो साइड्स है वो टर्न कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है हमारे नान में। और ऊपर से थोड़ा सा इस पर भी मैं बटर अप्लाई कर लूँगी, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, एक नान हमारा बनके एकदम तैयार है। तो इसी तरीके से हम दूसरे नान को भी तैयार कर लेंगे। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई थी कि आप चाहें तो नान को ढक कर के भी कुक कर सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर सेकेंड नान को तैयार किया था उसे मैंने ढक कर कुक किया था 1 मिनट के लिए। आप लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 साइड को कुक करेंगे और फिर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये काफ़ी फूल जाता है ये नान और बहुत सॉफ्ट बनता है। तो आप ये प्रोसेस को भी अपना सकते हैं। तो बाकियों की जितनी नान बचे हैं मैं उसे भी तैयार कर लेती हूँ और बस सेम प्रोसेस के साथ आप सारे नान को तैयार कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है ये। तो देखिए, यहाँ पर सारे नान मेरे तैयार हैं। आप इसे सर्व करें गरम ही गरम, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, अंदर से जालीदार और ऊपर से थोड़ा सा अप्लाई करेंगे आप बटर, इससे जो कलर है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर आपने आटे पहले से गूंद के रखे हैं तो काफ़ी जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है। अब मैं इसकी सॉफ्टनेस आपको चेक कराती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इसे हाथों में अगर लेकर दाबेंगे तो बिल्कुल एक मुट्ठी में आ जाएगी। और मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से ये कितना सॉफ्ट और जालीदार बनके तैयार हुआ है। अगर आप इसे मेहमान के सामने प्रेजेंट करेंगे तो ये 4 चांद लगा देगा। रोटी की जगह पर इसे ज़रूर सर्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको।
और आपके गेस्ट को भी। तो बस आप बनाइए और भवाई लूटिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो टेस्ट में लेने को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय।